हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ मैं अपने रोबो रेस बॉट पे कौन सा मोटर यूज़ करता हूँ और लगातार विन करता हूँ। इस मोटर को यूज़ करके आप भी काफ़ी परफेक्ट बॉट बना सकते हो और बहुत सारे इवेंट में जीत सकते हो। जिस मोटर का मैं बात कर रहा हूँ वो है इस बॉक्स के अंदर। तो ये है हमारा DC गेट मोटर। ये मोटर है ऑरेंज कंपनी का और इस मोटर को यूज़ करने का मेरा मेन रीज़न है इसका बिल्ड क्वालिटी। मोटर पूरा मेटल का बना हुआ है और इसका गियर पिनियन भी मेटल का बना हुआ है और ये कभी टूटता नहीं है और इसे आप काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। ये मोटर 12 वोल्ट का है और हम इसे 14 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। 12 वोल्ट पे ये 200 RPM पे रोटेट करता है और आप इसे अगर 14 वोल्ट पे यूज़ करते हो तो आपको 200 से प्लस RPM मिलने वाला है। RPM को फुल फॉर्म होता है रोटेट पर मिनट। अगर आप इस मोटर को 12 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हो तो ये एक मिनट में 200 बार रोटेट करेगा। अगर आपको अपने रेसिंग बॉट में स्पीड चाहिए तो आप 500 RPM का मोटर यूज़ कर सकते हो और अगर आपको अपने रेसिंग बॉट में पावर चाहिए तो वहाँ पर आप 100 RPM तक का मोटर आप यूज़ कर सकते हो अपने रेसिंग बॉट पे। इस मोटर का वेट ओनली 139 ग्राम्स है। मोटर के बैक साइड में यहाँ पर दो टर्मिनल देखने को मिलता है और यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल है तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इस मोटर को साइड शाफ्ट मोटर भी बोलते हैं और इसे फ्रेम पे सेटअप करने के लिए हमें यूज़ करना होगा साइड शाफ्ट एल क्लैंप। शाफ्ट का लेंथ 21 mm है और शाफ्ट का डायमीटर 6 mm है और इसी शाफ्ट पे हमें एक ड्रिल मिलता है। स्क्रू के हेल्प से आप अपने व्हील्स को काफ़ी आसानी से अटैच कर सकते हो। इस मोटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हील्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ में बेल्ट वाला रोबो रेस का बॉड बनाना चाहते हो तो आप इस पुल्ली व्हील का यूज़ करके बना सकते हो और इसका शाफ्ट का डायमीटर 6 mm है और बीच में आपको एक डेप्थ मिलता है जिस पे बेल्ट सेटअप होता है और ये 70 mm का व्हील है। सेकंड हमारे पास है एक बिग व्हील जो कि 140 mm का है और इसका शाफ्ट का डायमीटर भी 6 mm है। तो आप अगर उससे बड़ा बॉड बनाना चाहते हो तो इस व्हील्स को यूज़ कर सकते हो। थर्ड हमारे पास है सॉफ्ट रबर व्हील्स और इस रबर व्हील्स को भी आप अपने मोटर पर सेटअप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक 6 mm का कॉपलर खरीदना पड़ेगा अलग से। कॉपलर हमारे मोटर के शाफ्ट में कुछ इस तरीके से सेटअप हो जाएगा और स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से हम इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमें सिंपली अपने व्हील्स को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है और स्क्रू के हेल्प से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रिल दिख रहा है तो स्क्रू के हेल्प से इसे यहाँ पर टाइट कर लेना है। फोर्थ हमारे पास है एक बिग रबर व्हील्स और ये 130 mm का रबर व्हील है और ये ऑफ रोड व्हील है और इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है और इस व्हील को भी हम अपने मोटर पे सेटअप कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कॉपलर का यूज़ करना होगा। पिछले व्हील में मैंने जिस तरीके से कॉपलर सेटअप करके व्हील्स को मोटर पे टाइट किया था उसी तरीके से इसको भी आप फिक्स कर सकते हो अपने मोटर पे। हमने फोर व्हील देखा, इसमें से आप किसी भी व्हील्स को अपने मोटर पे सेटअप कर सकते हो। इन दोनों व्हील्स का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। लास्ट इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। इस मोटर को मैंने पर पीस 390 rupees में बाई किया है। तो अगर आपको बाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रोबो रेस का बॉड बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं रोबो रेस का बॉड बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका बॉड परफेक्ट वर्क कर सके और आप हर मैच जीत सकें। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।